अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड वाले बटन पर दबाइए, साथ ही साथ इस घंटा वाला बटन पर भी दबाइए, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी दबाइए ताकि हमारा नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो एंड नमस्कार गाइस, मेरा नाम है राशिद, आप लोग देख रहे हो राशिद टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल। मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट कैसे ओपन करें बिना किसी केवाईसी पॉइंट में जाकर। सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग करने के लिए तो आपको माई जियो पे जाना था। माई जियो पे अभी ऑफिशियली अपडेट नहीं है, मेरे पास एक ट्रिक है इसमें आपको 100% वर्क करेगा। इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। इसमें आपको सर्च करना है जियो पेमेंट बैंक अपग्रेड, जैसे ये सब सर्च कर रहा हूँ गूगल पे सर्च करना है जियो पेमेंट बैंक अपग्रेड बोल के आपको सर्च करना है। सर्च करते ही आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नेक्स्ट ऑप्शन जो आ रही है ऊपर वाला जो ऑप्शन ऊपर में जो ऑप्शन आ रही है इसमें आपको जाना है, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे कि इसमें आपको क्लिक करना है, देखता हूँ ऑप्शन में क्या होता है। नेक्स्ट देख सकते हो इसमें टर्म एंड कंडीशन लिखा है, उसके बाद इधर पे आपको देख सकते हो इधर पे आपको अपग्रेड नाउ बोल के आपको कुछ नहीं करना है। अपग्रेड नाउ जो इधर पे है इधर पे आपको टैप करना है, इसमें टैप करते ही आपको कुछ टाइम वेटिंग होगा, ऑटोमेटिक आपको रिडायरेक्ट करेगा जियो पेमेंट बैंक जियो माई जियो ऐप पर। इसके बाद आपको इस प्रकार ऑप्शन देगा, इसमें आपको मोर पर क्लिक करना है। मोर पर क्लिक करने के बाद इधर पे माई जियो ऑप्शन चूज करना है। इधर पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाया जाएगा लोडिंग लेने के बाद, इधर पे देख सकते हो ओपन होकर आ चुका है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाएगा, आपको स्टेप इस प्रकार आ गया है। आपको इधर पे कुछ नहीं करना है, इधर पे सिर्फ क्रिएट नाउ अकाउंट पर क्रिएट करना है, क्रिएट अकाउंट नाउ पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं क्लिक कर रहा हूँ उसके बाद कुछ प्रोसेस आ जाएगा, मैं वेटिंग करता हूँ, नेट स्लो है ज़्यादा। देख सकते हो गाइस पूरा पेज ओपन हो सकता है, हो चुका है। आधार कार्ड से कैसे ओपन किया जाता है, इधर पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। मैं इधर पे सिंपली अपना मेरा आधार कार्ड नंबर डाल रहा हूँ, मैंने अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया। इधर पे आपको टिक मार्क करना है, एग्री करना है सिर्फ इधर पे, और इधर पे टिक मार्क कर दिया मैंने दोनों पे। टिक करने बाद इधर पे प्रोसीड पर क्लिक करना है, इधर पे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। इधर पे अपना जो आधार कार्ड में लिंक है ओटीपी वगैरह आता है, इसमें ओटीपी सबमिट करने के लिए कहा जाएगा। देख सकते हो मेरा ओटीपी अभी आया नहीं, अभी तक देख सकते हो आधार कार्ड का ओटीपी आ चुका है। ओटीपी में इसमें आपका जो आधार कार्ड में लिंक नंबर है उसमें ओटीपी जाएगा, इस ओटीपी की इधर पे इंटर करना है। जैसे कि मैं इंटर कर रहा हूँ 5 1 7 4 8, उसके बाद इधर पे आपको सबमिट वाला आइकन दिख रहा है इसमें क्लिक करना है। आपका ओटीपी नहीं मिले तो इसमें रिसेंट ओटीपी पर टैप करना है। मेरा ओटीपी आगे सबमिट कर दिया मैंने, सबमिट पर क्लिक करना है आपको, जस्ट वेट करना, देखता हूँ आगे प्रोसेस क्या आता है। मेरा प्रोसेस नहीं हुआ है अभी, मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ, में बताया जाएगा फिर से ओटीपी। देख सकते हो गाइस मेरा सब कुछ आ चुका है इधर पे, मेरा फोटो से लेकर सब कुछ आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ से लेकर नेम से लेकर सब कुछ आ चुका है। इसमें मेरा ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, मेरा नाम जो है पैन कार्ड में नाम है, पैन कार्ड नंबर इधर पे आपको मैंडेटरी आपका ईमेल आईडी इधर पे आपको डालना है, ईमेल आईडी अपना ईमेल आईडी जो है उसमें इधर पे अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, इधर पे अपना फादर नेम डालना है, इधर पे अपना ऑटोमेटिक लगेगा फादर नेम, इधर पे मदर नेम डालना है, इधर पे ऑक्यूपेशन चूज़ करना है, इधर पे आपका सोर्स इनकम चूज करना है, आपका एनुअली इनकम कितना है ये सोर्स करना है। सिंपली फिल कर रहा हूँ, इधर पे अपना सिंगल चूज कर रहा हूँ मैं, इधर पे अपना मदर नेम, इधर पे आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट में स्टूडेंट्स चूज कर रहा हूँ स्टूडेंट, उसके बाद सैलरी बिजनेस में बिजनेस चूज कर रहा हूँ, इधर पे एनुअली इनकम इतना देता हूँ आपका जितना देना है आपको, मैं 152 1 लाख देता हूँ। उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ सब प्रोसीड पर क्लिक करना है, देखता हूँ आगे का प्रोसेस क्या होता है। अकाउंट कैन नॉट बी ओपन द माइनर, मतलब अभी तक माइनर भी है इसलिए ओपन नहीं हो रही है, आप ट्राई करोगे तो आपका ओपन हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।